नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। ओलंपिक में खेल मंत्री विजय गोयल को मिली चेतावनी। भारतीय खेल मंत्री विजय गोयल के दल के व्यवहार से नाराज रियो ओलंपिक आयोजकों ने कहा कि अगर उनके साथ गए लोगों ने अपना आक्रामक और असभ्य व्यवहार बंद नहीं किया तो उनका मान्यता कार्ड रद्द किया जा सकता है। हालांकि विजय गोयल ने मान्यता कार्ड रद्द करने की खबर को बकवास करार दिया है। रियो 2016 आयोजन समिति की महाद्वीपीय प्रबंधक सारा पीटरसन ने भारतीय दल प्रमुख राकेश गुप्ता को लिखे पत्र में कहा कि हमें आपके खेल मंत्री की कई रिपोर्टें मिली हैं जो स्थलों के मान्यता प्राप्त क्षेत्रों में उन लोगों के साथ घुसने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पास मान्यता कार्ड नहीं है। कश्मीर में मोबाइल सेवा ठप। कश्मीर में एहतियाती तौर पर अधिकारियों ने BSNL की पोस्टपेड सुविधा को छोड़कर बाकी सभी मोबाइल टेलीफोन सेवाओं पर शुक्रवार को प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा पिछले सप्ताह शुक्रवार की नमाज के बाद भी इन सब झड़पों को देखते हुए किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूरी घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को ठप कर दिया गया है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अफवाह से बचने के लिए मध्य रात्रि में पूरी घाटी में सेवा को बंद कर दिया गया। ISIS को बड़ा झटका, मारा गया तेल प्रभारी। इराकी, कुर्दिश और अमेरिकी विशेष सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान में गुरुवार को आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट का आतंकवादी और इराक और सीरिया में संगठन का तेल प्रभारी मारा गया। कुर्दिस्तान क्षेत्र सुरक्षा परिषद की एक विज्ञप्ति में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। सीरिया की सीमा पर इराकी शहर कैम के पास IS का आतंकवादी सामी जसिम अल जावरी और उसका एक सहयोगी मारा गया। पेंटागन के एक प्रवक्ता ने कहा कि गठबंधन सेना ने गुरुवार को इराक में IS के जुड़े लक्ष्य के खिलाफ एक अभियान चलाया था। अभियान परिणाम का आकलन किया जा रहा है। दिल्ली में 2000 cc से ऊपर के वाहनों के पंजीकरण पर लगी रोक हटी। उच्चतम न्यायालय ने राजधानी दिल्ली में 2000 cc या इससे ऊपर के डीजल वाहनों के पंजीकरण पर लगी रोक शुक्रवार को हटा ली। शीर्ष अदालत ने हालांकि इसके लिए वाहन की एक्स शोरूम कीमत का 1% पर्यावरण कर के रूप में जमा कराने का निर्देश दिया है। जब कमेंटेटर की गलती से फेल्प्स की जगह लोशे बने विजेता। रियो ओलंपिक के 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले तैराकी स्पर्धा में उस समय सभी चौंक गए जब कनाडा के एक टीवी कमेंटेटर ने उत्साह में आकर गलती से माइकल फेल्प्स की जगह रयान लोशे को विजेता घोषित कर दिया। हालांकि कुछ सेकंड बाद ही उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि उनसे गलती हो गई है और फेल्प्स ने मुकाबला जीतकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।